हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने वापस से वही लेके आई हूँ, 1 मिनट 1 कंसेप्ट का एक टॉपिक है। रेगुलर सुबह 9 बजे हम आपसे मिलते ही हैं। इसमें मैं आपके सामने वापस से दो नए सवाल लेके आई हूँ। सीखेंगे कि इन दोनों सवालों को हम कैसे करते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। केवल 2 मिनट के अंदर हम दो सवाल सीख जाएंगे नई टाइप की। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और सभी लोग शेयर कीजिए। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक सभी लोग करते जाए अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस, जिससे कि आपको रेगुलर इसका अपडेट भी मिलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? 16,000 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज कैलकुलेट कीजिए। सवाल दिखने में आसान था, कुछ भी सवाल नहीं है। जो मेन दिक्कत आएगी वो कहाँ आएगी? 2 वर्ष 3 महीने की। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100 क्या होता है आपका ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, ये होता है एसआई का फॉर्मूला। ठीक है, सब लोग सबको पता है ये चीज। प्रिंसिपल कितना है? 1600 रुपये दे रखा है हमें, 1600 रुपये है। रेट कितनी है हमें निकालनी है। अब दिक्कत आई टाइम की, दिख नहीं रहे अभी। अपॉन का 100 और ब्याज कितना है हमारा? 252 रुपये। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम क्या है हमारा? 2 साल 3 महीने। अब देखो साल तो ठीक है, अब महीने को साल में चेंज करना पड़ेगा। महीने को साल में कैसे करेंगे? 3/12 से। 3 × 3 = 12। 2 + 1/4 कितना हो गया? 4 × 2 = 8। 9/4 यहाँ कर देंगे, 9/4 का मल्टीपल। बस ये कहानी थी, 2 से 2 की तो कट, ये कट गया, ये कट गया। 4 × 4 = 16। ठीक है, 4 × 6 = 24। 4 × 3 = 12। 9 × 7 = 63। तो रेट कितना हो गया आपका? 7%। सबको सवाल समझ में आ गया कैसे हुआ? जो मेन खेल था वो यहाँ पे था टाइम निकालने का। अगर आपसे टाइम निकल गया पूरा खेल खत्म हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी महीने को हम लोग साल में चेंज करते हैं तो अपॉन के 12 से डिवाइड कर देते हैं, साल में चेंज हो जाएगा वो। क्लियर हो गया? ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा सवाल है हमारा, देखिएगा किसका है? सिलोगिज्म का सवाल है, कथन और निष्कर्ष का सवाल। पढ़ते हैं, क्या है? कुछ किताबें पेन है। कुछ किताबें क्या है? पेन है। कुछ बुक्स पेन है। ठीक है, सभी पेन कुर्सियां हैं। जितने भी पेन है वो क्या है? कुर्सियां है, मतलब चेयर है। कुछ कुर्सियां, कुछ जो कुर्सियां हैं वो आपकी टेबल भी है। सवाल बन गया आपका, पूरा बन गया। अब शुरुआत करते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ किताबें कुर्सियां हैं, किताबें ये नहीं बुक्स। कुछ बुक्स क्या है? चेयर्स है। कुछ बुक्स चेयर्स है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सम बुक्स आर चेयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो क्लियर हो गया, पहला वाला सही है। सम चेयर्स आर बुक। कुछ चेयर्स क्या है? बुक है। कुछ चेयर्स बुक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सम चेयर्स आर बुक। फिर अगला क्या है? ऑल टेबल्स आर चेयर्स। सभी टेबल, सभी टेबल क्या है? सभी मेज कुर्सियां हैं। सभी टेबल चेयर्स है। आपको यहां से दिख रहा है कहीं से भी? सम बुक्स आर चेयर, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां से कहीं से भी दिख रहा है कि आपको ये सही होगा? नहीं। क्या है? कुछ ही टेबल्स अभी कुर्सियां हैं, ये आपका गलत हो गया। फिर क्या है? सम टेबल्स आर चेयर। कुछ टेबल्स चेयर्स हैं, ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है। अब देखो आप ये बोलोगे रिपीटेड नहीं है। देखो यहाँ है सम चेयर्स आर टेबल, कुछ मेज कुर्सियां हैं, और यहाँ उल्टा है सम टेबल्स आर चेयर, मतलब जस्ट उल्टा दे रखा है, उल्टा में सही माना जाएगा। अगर सीधा दे रखा होता सम चेयर्स आर टेबल ही दे रखा होता तो गलत मानते, रीस्टेटमेंट को गलत मानते हैं, लेकिन ये वाला रीस्टेटमेंट नहीं है तो ये हमारा सही माना जाएगा। सवाल समझ में आया? तो हमने मात्र 2 मिनट के अंदर आपके दो नए सवाल सीखे। एक सीखा आपने एसआई और एक सीखा आपने सिलोगिज्म, दो नए सवाल सीखे। ऐसे ही रेगुलरली मैं आपको डेली दो दो सवाल लेके आई हूँ, आती हूँ, और दोनों अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं। एक रीजनिंग का होता है, मैथ्स का, जैसे कि आप रेगुलर एक नया चीज सीखे। ठीक है, अगर आप अच्छी लगती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। टेक केयर, मिलते हैं वापस से अगली क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड मॉर्निंग, नाइस डे, बाय।